नवरात्रि के पांचवे दिन स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता का नाम प्राप्त हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। मां स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं। मां स्वरूप स्कंद माता देवी की चार भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं, जो कि ऊपर को उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है तथा यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासना कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंदमाता का वाहन सिंह है। स्कंदमाता सूर्य मंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंदमाता का ध्यान करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। वह भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जय माता दी, जय स्कंदमाता की।